अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रफिया। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन अफगानी कढ़ाई। तो आज मैं ये बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनती है। मैं बनाने जा रही हूँ, आपको मैं तरीका बताती हूँ। सबसे पहले मैं एक कढ़ाई में एक कप मैंने ऑयल डाला है, उसमें मैं डालूंगी बड़ा कटा हुआ एक प्याज। इसको मैं लाइट ब्राउन करूंगी। आपने जब भी कढ़ाई बनानी है उसको लोहे का चम्मच इस्तेमाल करना है, लोहे की ही कढ़ाई लेनी है आपने। जी, प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है लाइट सा। अब इसमें मैं डालूंगी चिकन। ये मैंने लेग पीस को कट लगा लिया था। ये 1.5 किलो चिकन है। इसको मैं हल्का सा ब्राउन करूंगी ताकि इसका अपना जो कलर है आ जाए। 5 मिनट तक मैं इसको पकाती हूँ। ये मैं थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई कर लिया चिकन को। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी मैं 5 मिनट के लिए भूनूंगी। खाली अभी नमक डालूंगी। ये खाली मैं इसमें नमक डाल रही हूँ ताकि ये गोश्त हमारा कढ़ाई के साथ चिपके ना। दो बड़ी इलायची हैं और ये जैसल, बस इसको मैं थोड़ी देर के लिए भूनूंगी और साथ ही मैं टमाटर डाल देती हूँ। ये टमाटर मैंने 1 पाव बड़े साइज के 4 टुकड़े करके रख लिए थे, ये मैंने डाले हैं। अब इनको मैंने 10 मिनट के लिए फ्राई करना। 10 मिनट हो गए हैं पूरे, हमने टमाटर डाल के 10 मिनट इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें मैं सारे मसाले ऐड करूंगी। ये है साबुत मिर्च, ये है जायफल पिसा हुआ 1/2 टीस्पून, और ये रेड चिली पाउडर, और ये है हल्दी, ये 4 इलायची हैं सब, और ये 4 हरी मिर्चें हैं। सबको मैं ऐड कर लूँगी। इसको ऐड करने के बाद मैं आपको ये पका के बता रही हूँ कि इसको 10-15 मिनट इसका कलर निकल आए मिर्चों का, और ये जितने भी मसाले हैं इनकी खुशबू निकल आए। तो इसके साथ ही मैंने 1 चम्मच सूखा धनिया और 1 चम्मच जीरा मैंने तवे पे भून के तो उसको मैंने पीसा हुआ है, ये खुशबू के लिए मैं डाल रही हूँ। ये देखें, ये दरमियाना मैंने कूटा है, ज़्यादा नहीं मैंने ग्राइंड किया क्योंकि इसका पाउडर नहीं चाहिए। जैसे लड़ा मिर्च होती है इस तरह मुझे ये खड़ा मसाला चाहिए। मैंने इसको 10-15 मिनट के लिए भूनना है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, अफगानी चिकन हमारा तैयार हो रहा है। इसमें मैं डालूँगी 1 बड़े साइज़ का लीमू। लीमू डाल के इसको मैं 10-15 मिनट के लिए पकाऊँगी। देखें ऐसे ऐसे इसको मैंने पकाते जाना है। अगर टमाटर का छिलका आपको नज़र आ रहा है तो आप ऐसे इसको निकाल भी सकते हैं, क्योंकि मैंने 4 टुकड़े करके डाले थे टमाटर पे, इसका पीस छिलके का ऊपर आ जाता है तो आप इजीली पकड़ के उतार सकते हैं। हमारी अफगानी कढ़ाई ही रेडी हो रही है। तो इसमें अब मैं डालूंगी ये 10-15 मिनट के लिए मैंने मसाले डाल के भी भून लिए हैं। 10 मिनट मैंने पहले सबसे टमाटर भुने हैं, फिर मैंने इसके बाद इस सारे मसाले 10 मिनट भुने हैं और लीमू का अरक डाल दिया इसमें। तो अब मैं ऐड करूंगी 1 पाव दही। 1 पाव दही डाल दिया मैंने। तो इसको देखिए ऐसे मैंने हल्की आँच के ऊपर आप कर देना, लो मीडियम आँच के ऊपर आपने इसको आधा घंटा रखना ताकि इसकी हड्डी अंदर तक गल जाए अच्छी तरह और दही का भी अपना एक टेस्ट निकल आए। इसको मैं दम पे लगाऊंगी, यानी कि हल्की आँच पे पकाऊंगी आधा घंटा। जी नाज़रीन, हमारी अफगानी कढ़ाई तैयार हो गई है। माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी लुक। और अब ये तैयार है, रेडी है। इसको मैं इसके ऊपर अब डालूंगी गार्निश के लिए लंबा कटा हुआ अदरक, हरी मिर्चें। आग मैं बंद कर दूंगी और इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा धनिया।
ये है हमारी अफगानी कढ़ाई तैयार। तो आपने ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कैसी बनी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, एंड अपने रिश्तेदारों में, फैमिली में, बहुत ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। ये हमारे लिए एक इनाम होता है आपकी तरफ से। थैंक यू सो मच।